आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। पूर्व शिक्षक के घर पर डकैती डालने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला थाना सिकंदरा क्षेत्र का है। ऐसा बताया गया है कि कोरोना संकट काल के चलते आरोपियों की नौकरी चली गई थी, इसी कारण अपराधी बन बैठे। अब आरोपी जेल में चक्की पीसेंगे। आंसू उर्फ भानु, अभिषेक बघेल, गौरव चोपड़ा, शिवम गुप्ता, अर्जुन, अल्तेश छोटू और फरार साथी दीपक, प्रतीक ये अपराधी नहीं थे, लेकिन अब अपराधी बन चुके हैं। कोरोना संकट काल में काम धंधा बंद था, इनका भी काम बंद था। काम धंधा बंद हुआ तो आर्थिक संकट खड़ा हो गया। आर्थिक संकट को दूर करने के लिए अपराध का रास्ता चुना। 29 जुलाई को थाना सिकंदरा शास्त्रीपुरम बरखा विकार कॉलोनी में पूर्व शिक्षक निर्मल भारद्वाज के घर पर धावा बोला था, बंधक बनाकर लूटपाट की थी। देखिए, दिनांक 29 जुलाई को शाम 3:30 बजे के आसपास थाना सिकंदरा क्षेत्र में बरखा विहार कॉलोनी में एक रिटायर्ड टीचर के यहाँ दिन दहाड़े 5-6 बदमाशों के द्वारा घर में घुसकर जो है डकैती की घटना कारित की गई थी, जिसमें अपराधियों के द्वारा मकान मालिक निर्मल का नाम लेते हुए बच्चों को बुलाया, गेट खुलवाया और अंदर घुसने के उपरांत सभी लोगों को एक कमरे में बंद कर ज्वेलरी, नगद आदि जो है लूट लिए। 7 लोगों को पकड़ा जा चुका है जो फरार चल रहे हैं। पकड़ में आए लोगों के पास से 3 दोपहिया वाहन और 1 साइकिल बरामद की गई है। इसके अलावा चाकू, तमंचा और 42,000 की नकदी बरामद की गई है। सोने की ज्वेलरी समझकर आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी चोरी कर ली गए थे। आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी बरामद कर ली गई है। खुलासा करते हुए इस घटना को कारित करने वाले 9 अपराधियों में से 7 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में इन्होंने घटना को कबूल किया और इनकी निशानदेही पे इनके पास से घटना में प्रयुक्त 3 वाहन, 2 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी बरामद कर ली गई है। लूटी गई साइकिल बरामद कर ली गई है, लूटी गई ज्वेलरी बरामद कर ली गई है, लूटे गए 42,000 रुपये भी बरामद कर लिए गए हैं। जो महिला की मोबाइल फ़ोन लूट कर ले गए थे वो भी बरामद कर लिया गया है। पकड़ में आए 7 लोग अलग अलग स्थानों के रहने वाले हैं, लेकिन काम धंधे के चलते एक दूसरे के संपर्क में आए थे। कोरोना संकट काल में आर्थिक संकट को दूर करने के लिए वारदात को अंजाम देने का खाका तैयार किया। बरखा विहार कॉलोनी में वारदात को अंजाम देने से पहले 25 और 27 जुलाई को रेकी की गई थी। रेकी करने के बाद वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए, पूछताछ में इन सभी अभियुक्तों का जो प्रोफाइल हम लोगों ने विश्लेषण किया है, पूछताछ में इन्होंने बताया कि 25 और 27 तारीख को इस एरिया में रेकी किया और रेकी करने के उपरांत मकान का चयन करना, वहां आने का रास्ता और वहां से भागने के रास्ते को उसने देखा और उसके उपरांत 29 तारीख को 1 बजे वहां पहुंचकर उस कॉलोनी में 3:30 बजे इस घटना को अंजाम दिया और अपने देखे हुए रास्ते से भागकर अलग अलग अपने घरों की तरफ चले गए। सुनसान और बाहरी आउटस्कर्ट इलाकों में जो सुनसान में मकान बने हैं उनमें डकैती की घटनाओं को कारित करने का प्लान किया और इस घटना को अंजाम दिया। पहली वारदात में पकड़ लिए गए, अन्यथा लालच में आकर और भी वारदातों को अंजाम दे सकते थे। सभी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। कोरोना संकट काल के दौरान काम धंधे बंद हो गए, बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां चल गईं, लोग घर पर बैठे हैं। थाना सिकंदरा पुलिस के द्वारा पकड़े गए आरोपी भी पहले काम करते थे, लेकिन कोरोना संकट काल के चलते नौकरी चली गई, इसीलिए अपराध जगत में पैर रख दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अपराध जगत में पैर रखकर खुद को अपराधी बनाना कितना उचित है, जबकि तमाम लोगों की नौकरियां गई हैं। लोग छोटा मोटा काम करके अपने परिवार का गुजर बसर करने में लगे हैं, ये कोरोना संकट काल का साइड इफेक्ट है। बैठे बैठाए लोग अपराधी बन गए। अपने साथी अखिलेश दुबे के साथ राकेश कन्नौजिया, सी न्यूज़ आगरा।